प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले पर पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या पर प्रयागराज गया था तथा वहां पर सभी महामंडलेश्वर लोग उपस्थित थे। वहां पर सभी लोगों के साथ बैठकर निर्णय हुआ कि जो 14 पेज का महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट मिला है वह उनका लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसके शव को बिना किसी को बुलाए कैसे उतार दिया गया। यह सभी पहले से ही बनावटी है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की गई थी तथा मुख्यमंत्री योगी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। उन्होंने कहा इस हत्या में आश्रम के कुछ लोग मिले हुए थे तथा पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था, क्योंकि महंत जी का सुरक्षा गार्ड भी वहां पर उपस्थित नहीं था। उन्होंने कहा यह भी आश्चर्य की बात है कि महंत रात में अंदर गए और उनको कोई अंदर जाते देख नहीं पाया। जब देखा तो अंदर दरवाजा बंद नहीं था तथा बिना पुलिस को सूचना दिए शव को नीचे उतार दिया गया तथा वहां हल्का दरोगा और एसपी नहीं आए और सबसे पहले आईजी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा इस मामले में आईजी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या करने वाले महंत नहीं थे, उनकी हत्या की गई है या किसी करीबी व्यक्ति ने ही पीठ पर कब्जा करने के लिए महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की है। इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसका प्रचलन शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मरने से पहले 14 पन्ने का सुसाइड नोट नहीं लिखता है, वह एक बहादुर महंत थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है कि दोषी बच नहीं पाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महंत रामविलास वेदांती महाराज ने कहा तीर्थराज प्रयाग गया भी था और वहाँ सभी महामंडलेश्वर लोग थे। निरंजनी अखाड़ा के सभी आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी भी थे और सभी के बीच में बैठकर जो निर्णय हुआ कि जो लेटर सुसाइड मिला है वो नरेंद्र गिरी जी का हाथ का लिखा हुआ नहीं है, हस्ताक्षर भी उनका नहीं है। आश्चर्य है कि ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई कि जिसने आत्महत्या किया हो उसका फाटक कोई खोले, उसके सब को ऊपर से नीचे निकाले, रस्सी को 3 टुकड़ों में काटे। ये सब बनी बनाई घटनाएं हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई की जांच दे दिया है। हम लोगों की ही मांग थी और मुझे ऐसा लगता है कि आश्रम के कुछ ऐसे लोग थे जो इस षडयंत्र में मिले हुए थे, वहाँ का पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था, इसीलिए जो उनका सुरक्षा गार्ड अजय सिंह था वो भी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि रात को गए अंदर और 3 बजे तक कोई देखा नहीं उनको, और फाटक खुला तो अंदर सिटकनी नहीं लगी हुई थी, जब देखा तो ऊपर लटके हुए थे, उनको क्यों निकाला बिना पुलिस सूचना दिए। और आश्चर्य ये है कि वहाँ का दरोगा नहीं आया, वहाँ का ESP नहीं आया, सबसे पहले IG आ गए। इसलिए IG का भी नाम इसमें आ रहा है कि वो भी इसमें मिले हुए हैं, इसलिए CBI जांच जब होगी तो सब पता चल जाएगा। नरेंद्र गिरी आत्महत्या करने वाले नहीं थे, उनकी हत्या की गई, उनका मर्डर किया गया। इसीलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी से कहा था कि इसकी CBI जांच हो और योगी आदित्यनाथ जी ने CBI जांच का आदेश दे दिया है। अब दूध का दूध पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। समाज में इस प्रकार की दुर्घटना यदि होती रहेगी तो आने वाले दिनों में लोगों में ये जागृति पैदा होगी कि मारो और महंती लो। इसलिए मार कर किसी की महंती लेना ये षडयंत्र है, इस षडयंत्र को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी से मेरी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है किसी कीमत पर अभियुक्त बचने नहीं पाएगा, अभियुक्त पकड़ा जाएगा और जो पकड़ा जाएगा उसको कठोर से कठोर दंड देने की प्रक्रिया जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी पूरी की जाएगी। इसके पीछे मेन वजह महंती है, किसी ने महंती को लेने के लिए ये षडयंत्र किया है, समझे ना। और ये कौन हो सकता है ये तो CBI जांच के बाद पता चलेगा और मुझे ऐसा लगता है ये षडयंत्र है। इसी षडयंत्र के तहत ही इस प्रकार पत्र लिखा गया है, 12 पन्ने का कोई सुसाइड नोट लिखता है, सुसाइड नोट किसी दूसरे ने लिखा है, नाम लगा दिया कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखा है। हमारे कैलाशानंद गिरी जी ने कहा कि वो कभी कुछ लिखते ही नहीं थे, हस्ताक्षर भी मुश्किल से कर पाते थे, सुना होगा आपने TV में उनका बयान।
यही बात हमको ही पता चला था। और वो बहादुर व्यक्ति था, बहादुर महात्मा था, हमेशा संतों के लिए लड़ता रहता था। कुंभ मेले में संतों को सुविधा दिलाने के लिए हमेशा लड़ता रहता। तो वो व्यक्ति कभी आत्महत्या करेगा? कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, इसलिए उसकी हत्या की गई है, हत्या की जांच होनी चाहिए। ये मैंने योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना किया था, मेरी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया है और CBI जांच शुरू हो गई। CBI के लोग वहाँ पहुँच भी गए। अब साफ पता चल जाएगा किसने क्या किया।